ससुर सोच में पड़े थे कि घर के नए दामाद को सरप्राइज गिफ्ट क्या दूं। तभी किसी ने आइडिया दिया, योगी आदित्यनाथ से बेहतर गिफ्ट और क्या होगा। ससुर जी योगी को तो ला नहीं सकते थे, इसलिए दामाद को भेंट कर दी बुलडोजर। दामाद देखकर बोला, इस तोहफे से बढ़कर कुछ भी नहीं है बेहतर। यूपी से एमपी तक, बिहार से हिमाचल तक, शादियों में भी छा गया है बाबा का बुलडोजर। अब एक योगी आदित्यनाथ से काम नहीं चलेगा, भारत को चाहिए 30-30 योगी आदित्यनाथ। पहले ससुर कंफ्यूज थे, कार दे या मोटरसाइकिल दे दे, दामाद को कौन सा दे उपहार। बेटी ने भी दी सलाह, पापा कार तो खड़ी रहेगी बेकार, देना है तो दे दो बुलडोजर। काम का काम और दाम का दाम भी मिलता रहेगा। आइडिया सुपरहिट हो गया। हमीरपुर से आई ये खबर बता रही है कि बाबा के बुलडोजर की डिमांड बढ़ रही है। हमीरपुर में कुछ ही दिनों पहले एक शादी हुई। लड़के का नाम योगेंद्र है। योगेंद्र पेशे से एक नौसैनिक है और उनकी दुल्हन बनी है नेहा। नेहा सिविल सर्विसेज की तैयारी करती है। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना अंतर्गत शिवलॉन गार्डन में ये शादी हुई और ऐसी शादी हुई कि पूरा जिला देखने आया, क्योंकि शादी में दूल्हे को गिफ्ट में मिला बुलडोजर। यानी योगी का बुलडोजर सुपर पॉपुलर हो चुका है, सारी पॉपुलैरिटी के आंकड़े को तोड़ रहा है। जहाँ जहाँ योगी वहाँ वहाँ बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ का सिग्नेचर बन चुका है बुलडोजर। क्या कभी आपने सोचा कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो यूपी में क्या से क्या हो जाता। योगी को बुलडोजर अवतार क्यों लेना पड़ा। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 67,000 एकड़ की जमीन सालों से भूमाफियाओं के कब्जे में थी। कई सरकारें आई और चली गई, कोई खाली नहीं करा पाया, क्योंकि अतिक्रमण या अवैध कब्जे को सरकार का शह होता था। पर योगी ने सत्ता में आते ही सिस्टम बदल डाला। 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2022 के बीच योगी आदित्यनाथ ने 950 करोड़ की संपत्ति और अवैध कब्जे को ध्वस्त करवाए। 30 मार्च 2022 तक यूपी के 25 माफियाओं की करीब 900 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल गया। 8 छोटे छोटे माफियाओं की करीब 43 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। बुलडोजर चलाना जरूरी था, वरना मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों के खिलाफ कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं होता था। लेकिन बुलडोजर चलने से लोगों में हिम्मत आई। मुख्तार ने अवैध रूप से कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़े लेकर आए हैं हम। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद सबसे ज्यादा मुख्तार की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत 62 करोड़ की चल और अचल संपत्ति की कुर्की हुई और 109 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला। मुख्तार गैंग ने सालों से गाजीपुर एयरपोर्ट की 50 बीघा जमीन कब्जाई हुई थी, जिसकी बाजार कीमत 27 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, वो भी जब्त कर ली गई। मुख्तार और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को जोड़ लिया जाए तो करीब 393 करोड़ की संपत्तियां खाली करवाई गई। सोचिए ये कितना बड़ा अमाउंट है। पश्चिमी यूपी में योगेश भदौरा की करीब 4.5 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला। सुशील मूछ की करीब 3 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला। सुंदर भाटी की करीब 64 करोड़ की जमीन के अवैध कब्जों को बुलडोजर से खाली करवाया गया। अनिल दुजाना की करीब 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, खान मुबारक की करीब 17.5 करोड़ की संपत्ति खाली करवाई गई। अतीक अहमद के खिलाफ भी डर से कोई मुंह नहीं खोल पाता था, लेकिन उसकी भी 350 करोड़ की प्रॉपर्टी को बुलडोजर ने ही खाली करवाया। आजमगढ़ के ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह की 19 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी खाली करवाई गई। ये तो बड़ी मछलियां थी जो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले मौज में थी और छोटी मछलियों को यानी आम लोगों को निकल जाया करती थी। जिस प्रॉपर्टी पर इनकी नजर गई या जो प्रॉपर्टी पसंद आ गई उस पर फौरन हाथ रख दिया और हथिया लिया, यही इनका पेशेवर धंधा था। सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि जंगल, खनन माइंस और लिकर माफिया सब के सब एक ही स्टाइल में काम करते थे। लेकिन बुलडोजर के सामने सबकी अकड़ उनके पाजामे में चली गई। योगी गुजरात जाते हैं तो वहाँ उनका बुलडोजर से वेलकम होता है, हिमाचल जाते हैं तो वहाँ उनका बुलडोजर से वेलकम होता है। बुलडोजर योगी का सिग्नेचर है। बिकरू कांड के बाद धड़ाधड़ शुरू हुआ बुलडोजर का सिलसिला अब पहुँच चुका है भारत के करीब आधा दर्जन राज्यों तक। मध्य प्रदेश के खरगोन में शांति दूतों के घर पर शिवराज मामा की सरकार को बुलडोजर चलाना पड़ा। गुजरात के खंबात में इसी साल शांति दूतों के घर पर भूपेंद्र पटेल सरकार को बुलडोजर चलाना पड़ा। बिहार में बुलडोजर चला, हिमाचल में बुलडोजर चला और देश को ये लगने लगा कि अपराध करने वालों को कानून तो सजा देगा ही, लेकिन उससे पहले सरकारों को भी सजा देनी चाहिए। योगी ने अपराध करने वाले लोगों को दूसरे तरीके से भी सजा दी। उदाहरण के लिए कुछ ही महीने पहले प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक महिला के साथ घिनौना काम हुआ। एक्शन लेते हुए खाकी बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पर पहुंच गई। पहले तो आरोपी भाग चुका था, पुलिस ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही बुलडोजर घर पर पहुंचा, हाथ जोड़कर खाकी के सामने प्रकट हो गया, बोलने लगा कि माफ कर दो। बुलडोजर मॉडल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी आजमाया गया और ये मॉडल खुद अमित शाह ने आजमाया। वैसे योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अवतार और शादी में दूल्हे को तोहफे में मिला बुलडोजर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमीरपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।